कोई सुनने वाला नहीं बचा है। सुनिए कुछ क्रिमिनल नहीं है हम लोग, और के एग्जाम पास किए हम लोग, आप देख रहे हैं कि जो जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को भी हम पूरा कर रहे हैं। तो ये मसले पर भी मैंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करके इसका जो है एक उचित हल निकालने का हम प्रयास करेंगे। इनके बारे में है ना बच्चा पूरी बात? अरे भैया गजब बात कर रहे हैं। देखिए ये बच्चे इसलिए आपके पास पहुंचे क्योंकि इनको कांग्रेस से भरोसा है और उम्मीद है इन लोगों को कार्मिक के द्वारा जो आदेश भी जारी कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नौजवानों के हित की अनदेखी करके नहीं चलेगी और हम जनता के जन आकांक्षा के प्रतीक के रूप में काम कर रहे हैं और ये सरकार जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए जन भावना के विरुद्ध जाके कोई काम नहीं करेगी और हम लोग मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के उपरांत आपको हम तो ऐसे मंत्री हैं जो बेबाक बोलते हैं किसी भी प्रसंग में, तो हम आपको भाषण देते हैं। नहीं भाषण नहीं, सुन लीजिए, इन लोगों को आप एश्योर करेंगे, दो साल हो गया रघुवर दास की सरकार में, लोग 3 साल तक देखते हैं, आपकी सरकार में 2 साल तक देखते हैं, भाई कब तक नहीं लेगा? हम जल्दी, हमने कहा ना शीघ्र जो है शीघ्र इस पे करेंगे। हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।